आहस सरोकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस सभी को समान भाव से लूटती, करोड़ों महिलाओं बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। अखिलेश यादव ने पहलवानों को लेकर दिया बयान, बोले ऐसा करके बीजेपी ने संदेश दिया है कि वो संविधान को नहीं मानते। अखिलेश यादव ने 2024 को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, बोले बीजेपी सरकार जनता को लूट रही, जनता के साथ अन्याय किया। कानपुर में लाउड स्पीकर पर कार्रवाई, उतारे गए तेज ध्वनि से बज रहे लाउड स्पीकर, कुल 320 लाउड स्पीकर उतारे गए। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में बिना कोई यात्रा दस्तावेज के शातिराना ढंग से पहुंचा वाराणसी निवासी, कर्मियों ने पकड़ा, FIR दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अखिलेश यादव का पहलवानों को लेकर बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि पुलिस जाकर पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है, ऐसा करके बीजेपी के लोग ये संदेश दे रहे हैं कि वो ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। बीजेपी के लोगों को याद करना चाहिए कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या इस तरह बचेंगी बेटियां? सबसे बड़ी लोकसभा है जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, क्या उसका उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे हैं बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। औरैया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि लोग देखेंगे कि सरकार ने क्या काम किया, बेरोजगारी चरम और महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार जनता को लूट रही है, जनता के साथ इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता। 24 अलग चुनाव होगा, लोग देखेंगे सरकारों ने क्या काम किया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इससे ज़्यादा न्याय नहीं हो सकता, लोगों के साथ भेदभाव है और सरकार लूट रही है। और सोचना तब चाहिए जब सरकार के अपना सर्वे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई विभाग है तो पुलिस विभाग है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। औरैया पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी सरकार जनता को लूट रही है। औरैया से हमारे संवाददाता जाहिद हमसे जुड़ चुके हैं। जाहिद, अखिलेश यादव औरैया पहुंचे थे जहां उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। जी भाई जी, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव एक शोकसभा संदेश में गए हुए थे अपने समर्थक के साथ में, जिसकी मृत्यु होगी, पांच लोग मौत हो गई थी, उसी को लेकर पहुंचे थे संवेदना में। वही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार, और इसके अलावा वो जो करती अपने मन से ही काम करती है, लोग बातें नहीं सुनती है। जी धन्यवाद जाहिद हमसे जुड़ने के लिए। बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों ने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला। बुलंदशहर के गांव बराल में 4 मंदिरों को निशाना बनाया गया और 1 दर्जन से अधिक देवी प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण असामाजिक तत्वों का पता लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
हमारे गांव में अभी 4 मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई हैं असामाजिक तत्वों द्वारा। रात्रि में जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, सुबह जब लोग हमारे यहाँ पूजा करने आए मंदिरों पर, तब जानकारी हुई है और सभी लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। गुलावटी थाना की सूचना दे चुकी है, इंस्पेक्टर साहब मौके पर आए हैं और शिकायत हमारी दर्ज हो गई है। ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर की मूर्ति को निशाना बनाया है। 1 दर्जन से अधिक मूर्ति को तोड़ा गया है। ये बुलंदशहर के एक गांव का मामला है। बुलंदशहर में असामाजिक तत्वों ने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला है। बता दें, बुलंदशहर के गांव बराल में 4 मंदिरों को निशाना बनाया गया और 1 दर्जन से अधिक देवी प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों और ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण असामाजिक तत्वों का पता लगाकर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बात करें पुलिस की, तो पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। बता दें, मामले की जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। ये बुलंदशहर के बराल गांव का मामला है, जहां पर 4 मंदिरों को निशाना बनाया गया और 1 दर्जन से अधिक माता की प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, मूर्ति को निशाना बनाया गया है। वहीं पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ चुके हैं। विशाल, असामाजिक तत्वों ने मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर से गुलाब की छिट का मामला है, जहां बरेला गांव पड़ता है, जहां 4 अलग अलग मंदिरों में मूर्ति तोड़ी गई है और ग्रामीणों ने आपको होकर हंगामा किया। वहां पे एसपी सिटी और देहात एसडीएम भी पहुंचे हैं, उनको समझा बुझाकर शांत कराया गया है। विशाल, जानकारी के मुताबिक पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, क्या अभी तक कुछ सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं, उसमें प्रशासन जुटा हुआ है और भाजपा और उसके कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं वहां पर। जी, धन्यवाद विशाल हमसे जुड़ने के लिए। बुलंदशहर में एक पीड़िता महिला कोतवाली देहात और एसएसपी से लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई न्याय नहीं मिला था। बता दें कि पीड़िता महिला को उसका पति जान से मारने की धमकी देता है, साथ ही उसे घर से भी निकाल दिया गया है। पीड़िता महिला को 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं जब प्राइम टीवी की ने इस खबर को दिखाया, तब जाकर इस खबर का असर हुआ और पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात की नई मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सर, मेरे हस्बैंड ने 3री शादी कर ली है मुझसे बिना बोले तलाक लिए, मेरे को पता भी नहीं था। वो इन्होंने शादी कर ली, इस मामले से आई हूँ और मार पिटाई करके मेरा मकान पकान सब अपने नाम करवा लिया। हस्बैंड सैनिक द्वार के पास, सैनिक द्वार के यूनिक मैरिज होम के पास सैनिक द्वार है, वहां से पता है। अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां मेडिकल स्टोर दुकानदार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। मारपीट करते और तमंचा लहराते हुए दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर जबरन लाइक कराने से मना करने के बाद दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। कोतवाली इगलास के कस्बे के गोंडा मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विवाद ये हुआ था कि इंस्टाग्राम पे एक लड़का था, वो कमेंट कर रहा था उल्टी सीधी कि, और अपनी दबंगई दिखा रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, मेरी ये कमेंट किया कर वो किया कर। मैंने उससे मना किया, वो नहीं माना, फिर उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे आ जा, वहाँ पे आ जा। मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं मेडिकल पर बैठा हुआ था अपने पे, और वो अपने साथियों के साथ 50-60 साथी अपने लेके आया, वो अपने साथ में हथियार लेके आया, उसने फायरिंग की। फायरिंग में मैं बाल बाल बचा वहाँ पे, बचने के बाद में मैंने थाने में तहरीर देने गया। मैं अलीगढ़ के थाना शर्रा क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कार से टकराई गई। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। थाना छर्रा क्षेत्र के मेन कस्बे स्थित अतरौली रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
दे बाइक और कार की भिड़ंत हुई है। वहीं बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं कार सवार ड्राइवर मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर एक बार देखने को मिला है। बता दें बाइक और कार में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल नजर आ रहे हैं। वहीं भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। बता दें अलीगढ़ के थाना शर्रा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।